नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में अडानी समूह के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग का ये तीसरा अटैक अडानी ग्रुप पे होते हुए दिखा है। तो क्या ये अटैक है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या अडानी अगेन एक बड़े क्रैश की तरफ जाते दिखेंगे, या ये न्यूज का कुछ भी टेक्निकल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ये न्यूज क्या है, सभी बातों को सिंपली समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अडानी समूह को लेकर के हिंडनबर्ग ने कोट करा है स्विट्जरलैंड के एक रिपोर्ट को, जैसे कहा गया, जिसमें कहा गया कि 310 बिलियन यूरो करेंसी जो है, लगभग आप देखेंगे तो अगर हमारे रुपये में देखा जाए तो इधर हो गया 30 और 100, तो लगभग जो है 3000 करोड़ के आसपास के फंड फ्रीज कर दिए गए 6 अलग स्विस बैंक में, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के एलिगेशन लगाए। लेकिन अडानी ने इस बात को डिनाई करा, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसलेस एलिगेशन है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स जो है लेफ्ट और राइट विंग वालों ने करा, कुछ लोग कहे कि अगर इतना ही तुम सही हो तो इंटरनेशनल कोर्ट में मान हानि क्यों नहीं करते। जो राइट विंग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना ही तुम्हारा हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सही है तो अडानी अभी भी ऑल टाइम हाई के प्राइस पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही पक्ष के अपने अपने जो है तथ्य हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकली कमेंट नहीं करके मैं ये कहूंगा कि शेयर बाजार एक ही न्यूज को बार बार डिस्काउंट नहीं करता है, ये न्यूज पुरानी हो चुकी है, कई बार बाजार में ट्रेंड हो चुका है, तो इसके कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिखेंगे। अगर इम्पैक्ट होने होते तो आज ही ये जो इम्पैक्ट है वो होते हुए दिखता, थोड़े बहुत करेक्शन टेक्निकली दिख सकता है, क्योंकि अडानी पावर देखें तो ऑल टाइम हाई से थोड़े बहुत करेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ मिसिंग लग रहा है, अडानी इंटरप्राइजेस के मिसिंग थोड़े ट्रेंड मिसिंग लग रहे हैं, अडानी के और जो एनर्जी और गैस वाले स्टॉक में मिसिंग कर रहे हैं। अडानी विलमार, इस समय अडानी समूह का एक स्टॉक है अडानी विलमार, जिसमें अडानी और विलमार की ज्वाइंट वेंचर है, फंडामेंटली कंपनी में बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, तो वो मुझे एक बेहतर कैंडिडेट लग रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। हालांकि उसके टेक्निकल ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब 400 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग हो, इस समय इन बिटवीन 380 to 410 के बीच में मल्टीपल रिजेक्शन हुए हैं, मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन हुआ है, तो 400 के ऊपर के ब्रेकआउट पे अडानी विलमार डबल तक का कैंडिडेट मुझे दिखता है। और ये हिंडनबर्ग की न्यूज की बात रही तो ये बिल्कुल इंपैक्ट नहीं दिखेंगे, और जो भी दिखने होते तो आज दिखता, तो मुझे लगता है कि ऐसे न्यूज को बिल्कुल आपको इग्नोर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।